व्हाट्सअप गाइस, यार याद है वो 6 छक्के जो मारे थे युवराज ने हाँ भाई साहब? उसकी स्टोरी है युवराज 660 स्टोरी। अगर फ्लिंटॉफ ऐसा ना बोलते तो इतिहास नहीं बनाते युवराज। तो हाँ भाई उसने कुछ बोला था ना ऐसे करके, कुछ पास कुछ आ गया पास कुछ आगे बोला बोला, था तो अब तभी वो पूरी जाके। स्टोरी हाँ शायद से युवराज ने इस इंटरव्यू में बताई है। तो भाई पूरा इंटरव्यू एंजॉय करते हैं साथ में, और आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो यार। हाँ ये पूरी देखने मिलती है लास्ट तक यार। ठीक है, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। इस गेमिंग चैनल पर भी हमारे रिएक्शन वीडियोज दो आएंगे अब से, और एक तो अभी आना शुरू हो गई है, दो आएंगे, फिर रेगुलर दो वीडियोज आएंगी। और गेमिंग तो रात के 10 बजे होती है, कान में निकालते हैं ईयरफोन। ये वीडियो है स्पोर्ट्स तक चैनल पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का। शुरू कर दें, यस रेडी स्टडी एंड गो। दादा, मतलब बैकफुट पे रहते होंगे आप तीनों के साथ। दादा एज ए कैप्टन वैसे ही बैकफुट पे रहते थे, जॉन राइट सबको वैसे ही बैकफुट पे रखता था हमारा कोच। तो आई थिंक दादा के साथ, दादा को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम उनके साथ मजाक मजाक करते थे। लेकिन कई मजेदार आपने दादा के अंडर भी आपको सक्सेस मिली, धोनी के बाद भी देखा जाए। एक तो धोनी और आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे याद है 2005, 6, 7, 8 ये राइट 3-4 साल ऐसे थे जहां पर आपने और धोनी ने पता नहीं कौन कौन से वनडे मैच, T20 मैच जाके खत्म करके आए एज एज अ पेयर। प्लस फिर धोनी कप्तान बने, 2007 में आप वर्ल्ड T20 जीते, 2011 में भी आप वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी में। जी बिल्कुल। आई थिंक धोनी को जब T20 से में कैप्टनशिप मिली, ऑब्वियसली ही वाज वेरी यंग एंड उनका इंग्लैंड का टूर काफी अच्छा था। और आई थिंक उस टाइम पर वी वर नॉट श्योर कि किसने कैप्टन बनना था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ नेम्स। वीरू 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 आई थिंक वाज ड्रॉप्ड ऑन द टूर, इंग्लैंड टूर पे थे नहीं। इंग्लैंड टूर पे। तो आई वाज वाइस कैप्टन, राहुल वाज कैप्टन। एनीवेज व्हाटएवर हैपेंड व्हेन धोनी स्टार्ट व्हेन बिकेम द कैप्टन, आई थिंक उसको एक बहुत अच्छी टीम मिली। इट वाज वेरी सेट टीम ही गॉट, हाँ उस वेयर टाइम लॉट ऑफ पे। एक्सपीरियंस विद सीनियर गाइस एंड यू नो रियली गुड टैलेंटेड यंग प्लेयर्स। एंड 2007 वर्ल्ड कप, वी वर अ न्यू टीम, वी डिडंट नो मच, हाँ वी टी जस्ट ट्वेंटी वर्ल्ड प्लेड कप इन जो एरिया, मतलब T20 पता भी नहीं होता था क्या है उस टाइम पर। तो था। आई थिंक T20 में हमने जाके बस अपने आप को एक्सप्रेस किया। लालचंद राजपूत हमारे कोच थे, कोचेज और बॉलिंग कोच वाज वेंकटेश प्रसाद। तो ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी हमारी नहीं थी, स्ट्रेटजी बट है, वी जस्ट वेंट एंड प्लेड फियरलेस क्रिकेट। दबंग तो खेले थे छह उस छक्के टाइम वाली पे। कहानी आज एक बार फिर अगर रवा, क्योंकि हम वो रेट्रो लाइव छह आजकल बहुत देख रहे हैं छक्के ना, वो स्टार स्पोर्ट्स दिखाई जा रहा है दिखाई जा रहा है दिखाई जा रहा है। तो आपने वो जो छह छक्के मारे, अच्छा मतलब किस स्टेज पर युवराज सिंह के माइंड में आ गया था अब छह ही मारूंगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में कभी 6 छक्के का ध्यान था नहीं। मेरे को खाली जो मेरा आर्गुमेंट हुआ फ्रंट ऑफ के साथ, दैट हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो हुआ क्या था? आई थिंक मैंने फ्रंट ऑफ को दो अच्छी बॉलों पे दो चौके मार दिए, तो हाँ उसको एक्चुअली वो अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब बॉलिंग उसका ओवर खत्म हुआ और मैं दूसरे एंड पे जा रहा था, ये धोनी के साथ बात करने आ रहा था, उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको इंस्टा लाइव पे नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, तो उसने मुझे बोला अच्छा कि ये बेकार बेकार शॉटें थी, उसने मुझे बोला। और बीच में उसने और भी कुछ बोला, तो मैंने उसको जाके दोबारा पूछा, मैं कहा सॉरी। तो उसने उसने फिर बोला कि उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो हाँ वो उस पे लिप फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। अच्छा तो मैंने फिर फ्रेडी को बोला, मैंने कहा ये बैट देखा है ना तूने मेरे पास जो है, बाहर की यही तो बात बात में है, यही तो बता ये मारूंगा बैट कहाँ जाएगा वैसे ही कहाँ पंजाबी में जाएगा। जा। मैंने तो फिर बीच में अंपायर आ गया, तो अच्छा भी अंपायर ने बोला, मैंने अंपायर को बोला कि इसने पहले स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। एनीवेज उसके बाद आई वाज वेरी पम्प्ड, मुझे ऐसा हो पूरा गया था कि जोश, यार बस हाँ मुझे हर बॉल को ना ग्राउंड के बूंदे बाहर उड़ानी है मारना। हाँ लकीली दैट वाज माय धोने। डे, फर्स्ट बॉल मैंने ग्राउंड के बाहर मार दी। आज भी मैं एक्चुअली वो फर्स्ट शॉट देखता हूँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं होता कि वो इतना लंबा छक्का कैसे चला गया। तो इट्स प्रेटी अमेजिंग दैट यू नो कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार ये शॉट मैंने कैसे मार दी। उसके बाद ऑब्वियसली सेकेंड थर्ड आई थिंक वर गुड शॉट, चौथा छक्का जो था मैंने आज तक फुल आज तक मैंने मैंने पॉइंट पे कोई पॉइंट पे चौका भी नहीं मारा होगा, उधर पॉइंट पे छक्का लग गया। अच्छा
गजब। तो कॉलिंगवुड कैप्टन थे, उन्होंने ब्रॉड को बोला कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर डाल, कोशिश यही कर दोबारा, कोई बात नहीं छक्का पड़ गया, आई थिंक ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। तो वो मुझे फिफ्थ बॉल राउंड द स्टंप डालने हैं, लेकिन लास्ट राउंड में उन्होंने बोला अंपायर को कि नहीं मैं ओवर द स्टंप डालूंगा। जब उन्होंने डिसाइड किया ओवर द स्टंप, मुझे लगा कि ये गलती कर रहा है बिकॉज ये साइड बहुत छोटी है, लेग साइड। एंड आई रिमेम्बर पांचवा छक्का जो लगा वो मेरे बैट के टो पे लगा और वो फ्लिंट टॉप के ऊपर छक्का हो गया। और छठा ऑब्वियसली आई वाज बॉलर, इतना अंडर प्रेशर हो जाता, मैंने भी पांच छक्के खाए इंग्लैंड के साथ, तो मुझे उसी पता है क्या, महीने उसी महीने मुझे पता है क्या गेम होती हाँ है। तो आई न्यू दैट वो कहाँ वो बॉल डालने वाला है, तो आई वाज रेडी टू हिट इट स्ट्रेट। बट छठी बॉल पे मेरा फोकस कुछ ऐसे ही था कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मुझे छोड़नी नहीं है। और छठी बॉल पे छठा छक्के के बाद आई रिमेम्बर के मुझे आई डिडंट रियलाइज कि मैंने 6 छक्के मार दिए। मैंने डिमिट्री मैस्करस की जगह जू देख के स्माइल किया, और उन्होंने मेरी तरफ देख के वापस ऐसे मुंह पकड़ के ऐसे मेरी तरफ स्माइल किया वापस। हाँ उसने मार तो देना मैं मेरे दिल में हो गया, ओह पांच छक्के बदला खाए थे, 6 मार दिए, अब जो मर्जी हो जाए। ये जहर था भाई, बिल्कुल जहर। सही नहीं बोला, गला काट दूंगा, कह रहे कह बैट रहा गला देख रहा काट है दो, कहाँ कह रहा जाएगा। पता नहीं बैट कहाँ जाएगा भाई साहब, ताबड़तोड़। और बेचारा अगर इंडियन क्रिकेट टीम फ्लिंटॉफ, में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ये जो दो थे स्पेशली, मतलब और भी, लेकिन ये जो हाँ दो थे ना, ये मतलब अलग ही लेवल थे। जो इनका टेम्परामेंट था ना, मतलब अलग ही लेवल सुनने का, वाला वो नहीं सुनने था वाला। किसी भी श्रीशांत भी उससे। था, श्रीशांत, श्रीशांत भी श्रीशांत, वैसा। मतलब फील्ड पे अगर कोई प्लेयर कुछ भी ऐसा बोल रहा है लेकिन तो बराबर जवाब सबसे हंसी दे। वाली बात तो ये बेचारे फ्लिंट टॉप के चक्कर में हाँ ट्रेंट ब्रॉड ऐसी कर दी 6 छक्के। हाँ नो डाउट ट्रेंट ब्रॉड भाई बहुत अमेजिंग बॉलर है, लेकिन उस टाइम होता है ना जो गुस्सा, किसी का गुस्सा किसी पर उतर गया हाँ और कह रहा भाई जब 5 मार दे, मैंने कहा भाई साहब सही मौका है, लपेट हाँ लेता हूँ। बॉलर के तो वैसे तोते उड़ जाते हैं यार, युवराज कह रहा मेरे खुद भाई साहब होश उड़ गए, तो उस टाइम जब 5 छक्के हाँ पड़ गए। कॉन्फिडेंस चला जाता है ना वही और बात जब होती। जिस जिसने मारे थे युवराज के 5 छक्के, उसकी तरफ देखा युवराज ने, हाँ ठीक है और भाई आ गया हाँ स्वाद। हाँ भाई साहब ये इंटरव्यू बहुत प्यारा है, इंटरव्यू बहुत मस्त। और भाई युवराज भाई कह रहे कि इंस्टा पे सारा चीज़ बता नहीं सकता ना लाइव में क्या क्या हाँ बोला था। कि सारे में बताएं, लेकिन वो वाला देखा हुआ था, वो हाँ मतलब थोड़ा सा एब्यूजिव भी था वो वाला, जो देखा था उस पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। भाई साहब युवराज भाई अलग ही बंदे हैं, क्या बोलते, चाहे हाँ डांस करा लो, चाहे मस्ती पार्टी करा लो, चाहे क्रिकेट फुल पे, ऑन पंजाबी वो लेकिन है, जो फुल ऑन। डेडिकेशन है ना हमेशा इनका स्पोर्ट्स के लिए, जो डेडिकेशन फिटनेस के लिए रहता है भाई साहब हाँ अमेजिंग। और वो स्टोरी आज भी याद है भाई, छोटा सा ये बताऊंगा कि टेनिस खेलना चाहते थे, पापा ने बल्ला पकड़ा दिया हाथ में और आज हाँ क्या नाम करेगा। हाँ ह्यूज रिस्पेक्ट टू युवराज सिंह, एंड बहुत कुछ दिया इंडियन क्रिकेट को यार, बहुत कुछ दिया। मतलब कि एक होता है कि एक तरह से यार जब विनिंग वो भी खेली है, विनिंग 2011 इनिंग्स में तो भी खेले यार है। कैंसर था जो वर्ल्ड कप, वो तो यार मतलब बैटल थी पूरी, और पूरी उससे बैटल वापस था। जो आया इनका है। जो इंटरव्यू था उस पर भी लाएंगे कोशिश करने की, जल्द से लाने के लिए रिएक्शन। और किन वीडियो आपको रिएक्शन चाहिए बताएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।